अच्छा, मज़े की बात यह है कि पुरानी इंडियन रेसिपीज़ में ना काली मिर्च का बहुत इस्तेमाल है। फिर हमें पता चला कि भैया काली मिर्च तो बहुत महंगी है, पूरी दुनिया को चाहिए। फिर हमने अपनी रेसिपीज़ में लाल मिर्च हरी मिर्च यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आज हम वापस से काली मिर्च की उन रेसिपीज़ को रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ डिस्कवरर सॉरी नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार, और काली मिर्च की एक ऐसी मज़े की रेसिपी आपके साथ डिस्कवर करते हैं। काली मिर्च का मटन, काली मिर्च का गोश्त, गोश्त काली मिर्च, आप कुछ भी कह लीजिए, रेसिपी मजे की है। मजा आना है पैसा वापस म्यूजिक के उस कॉलिंग एंड एक्शन। पेस्ट बनाना है पेस्ट। दो तीन चीजें करनी है इस रेसिपी में। पहले पहले करकराए खत्म कर लेते हैं। पेस्ट में सबसे पहले जो है ये है धनिया की डंडी, ठीक है, और साथ में इसमें धनिया की जड़ भी है। इसको रखें एक साइड। इसके बाद अदरक, ठीक है जी। इसके बाद लहसुन, ये लीजिए, लहसुन कम अदरक ज़्यादा। और क्या रह गया? हरी मिर्च, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च ज़्यादा नहीं है, नाम है काली मिर्च गोश्त और ठोक के डाल दी हरी मिर्च। देखिए धनिया वैसे भी जब भी लें तो अगर जड़ों के साथ मिल रहा हो तो ज़रूर ले लें। जड़ों में धनिया से कहीं ज़्यादा फ्लेवर होता है और डीप फ्लेवर होता है जो लंबे समय तक चलता है। ये हो गया पार्ट वन। इसमें लगेगा नमक, साथ ही जाएगा तेल, साथ ही जाएगी थोड़ी काली मिर्च। और ये कंपलसरी नहीं है बट आपको ग्राइंड करने में इजी हो जाएगा ना, इसलिए एक चम्मच दही डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको लगा मैं पीसूंगा? नहीं, आप पीसेंगे। इतना प्यार मोहब्बत तो है हमें, है? ओके, पार्ट वन डन, जो कि था वेट पेस्ट। पार्ट टू है ड्राई मसाला, ठीक है। नया कुकर मिला इतना कंप्लेन करने के बाद, देख रहे हैं आप। दो साल से रो रहा हूं मैं, कुकर ले दो कुकर ले दो। इसका मतलब ऊपर वाला है। लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, छोटी इलायची, बहुत सारा पत्थर का फूल स्टोन फ्लावर, कसूरी मेथी, थोड़ा नमक। और अगर जायफल या जावित्री है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, मेरे पास जावित्री पड़ी है। हल्का सा लाइटली टोस्ट करना है बस इसको, ये लीजिए। तो अब ये जो है आपके इस काली मिर्च के मटन का गरम मसाला रेडी है। इसका फाउंडेशन है काली मिर्च। काली मिर्च के बाद जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कलपासी, यानी कि स्टोन फ्लावर, पत्थर का फूल, साथ में थोड़ा सा उसके ऊपर आपको जाके मिलेगी बड़ी इलायची, उसके ऊपर आपको लास्ट में मिलेगी छोटी इलायची और जावित्री। और कसूरी मेथी जो है वो यूँ समझ लीजिए नटीनेस के लिए, हल्का सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे हमने मसाला कंस्ट्रक्ट किया है और आप इस कंस्ट्रक्शन को पीस के ले आइए एकदम बारीक चाय पत्ती की तरह, टेलकम पाउडर नहीं, चाय पत्ती। पेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया काम किए हैं आप। पेस्ट कभी भी बनाएं तो कोशिश ये करें कि उसमें पानी की बजाय ऑयल डाल लें, ठीक है। ऑयल एक तो स्मूथनेस देगा, दूसरा फ्लेवर जो है वो ऑयल में बेटर एक्सट्रैक्ट होंगे उस पेस्ट के, तीसरा जब आप उसको मैरिनेशन के तौर पे यूज़ करेंगे तो उस ऑयल की वजह से पकने के बाद एक रिचनेस आएगी, रज़ाइयत आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, कोई फेल नहीं हो सकता इसमें, फटाक से बन जाएगी कुकर में। और जब तक कुकर में अपना मटन बन रहा होगा साइड में अपना मसाला बन जाएगा।
मतलब जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम, जीरो वेस्टेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो वेस्टेज ऑफ टेस्ट। तो हमारा बनाया हुआ मैरिनेशन प्लस दही प्लस मसाले, थोड़ी सी रंग वाली मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब ये मैरिनेशन जो है आप रात को भी बना सकते हैं, मटन को रात को इस मैरिनेशन में डाल के छोड़ सकते हैं, द फ्लेवर विल ओनली गेट बेटर। पेस्ट वैसे भी जो है रात रूत को बना के छोड़ दीजिए, अगले दिन आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। ये लीजिए मैरिनेट हो गया मटन। ओके जी, अभी ऑयल के बाद दालचीनी और तेज पत्ता। ये लो जी दालचीनी एंड ब्लैक पेपर, वेरी गुड कॉम्बिनेशन है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हाट ग्रोज टुगेदर वही है। दालचीनी, ब्लैक पेपर, नटमेग, छोटी इलायची, ये सब साथ में उगते हैं इसलिए साथ में पकते हैं। बेसिक रूल है कुकिंग का। चलिए भाई, इस कुकर का हो गया है श्री गणेश। ये गया मटन, देखिए प्याज वाज कुछ नहीं डाला मैंने। अभी देखिए इसको ज़्यादा भूनूंगा नहीं मैं, है ना। अगर भुनाई करनी हुई तो फिर कुकर में डालने का फ़ायदा क्या है। इसको बस मिक्स कर देंगे और जैसे इसमें बॉयल आएगा, एक लेजिटिमेट बॉयल आएगा, वैसे ही इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे इसके हाल पे। ठीक है जी, एक तरफ कुकर कार्यक्रम शुरू है, दूसरी तरफ अपना दूसरा कार्यक्रम शुरू करते हैं। 1 किलो मटन है तो 3 से 4 प्याज, अगर बड़े बड़े हैं तो 3, अगर मीडियम है तो 4। इसको करना है बारीक बारीक स्लाइस। प्याज ने रुलाना ही रुलाना है मेरे को। मैंने कहा था इसको लेजिटिमेट बॉयल तक लेके आना है, मतलब बड़ी क्लियरली मसाला जो है वो उबलना चाहिए। दूसरी तरफ प्रोग्राम चालू करना है अपना, जहां पर लेना है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तेल। अभी इसको आ गया लेजिटिमेट बॉयल, लेजिटिमेट मतलब एक्चुअल बॉयल, मन बहलाने वाला बॉयल नहीं कि रणवीर को लग रहा है कि चलो बॉयल आ गया ढक्कन लगा देते हैं, प्रॉपरली टिक के बॉयल आ गया। अब इसको लगाते हैं ढक्कन अपने नए कुकर को, लगा दिया है पहली बार ढक्कन। अभी हमारा नया कुकर मारेगा अपनी पहली सीटी, इंपॉर्टेंट होती है ना, है पहली डिश, पहला प्यार, पहली सीटी, हमारे कुकर की पहली सीटी। 2 टुकड़े लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते। देखिए तैयार रहिएगा, बहुत जरूरी मोमेंट है हमारे कुकर की लाइफ का। आप सब आज हमारे साथ हैं हमारे कुकर की लाइफ के इस पहली सीटी में, मिस नहीं करनी चाहिए। आएगी सीटी मारनी आती है इसको। रेडी, शाबाश बेटा, आ गई जी हमारे नए कुकर की पहली सीटी आ गई। आपको भी मुबारक, लड्डू भिजवा दिया जाएगा। हमें पता था कि सीटी वीटी मारनी आती इसको। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है भाई, पहली बार बच्चा बोला, पहली बार बच्चा चला, है ना, पहली बार बच्चा क्रॉल किया। वैसे ही ये बच्चे हैं हमारे, देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है ना, वरना जिंदगी क्या है। कुकर की सीटियों की मोहताज ही तो है। कितनी हो गई, कोई गिन रहा है? मैं तो ऐसे एक्साइटेड हो रखा हूँ, कोई गिन रहा है भाई? 4 हो गए। मार ले भाई, तू जी तू खुल के मार सीटियाँ, तू टेंशन मत ले, मार। मार 2-3 और मार तू।
बेसिकली मटन को अच्छे से पका लेना है, 95% कुक कर लेना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे कुकर से अचानक से ज़्यादा प्यार हो गया, मैं ये चाह रहा हूँ मेरा मटन पक जाए। दूसरी चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला जो है ना वैसे भी बहुत काम का है, आप जितना यूज़ करेंगे उतना सुखी रहेंगे। एक तरफ कुकर चढ़ाइए, एक तरफ मसाला बनाइए, राइट। लेकिन कुकर में जो मटन चढ़ाएंगे उसको सिर्फ उबालिए मत, उसके अंदर फ्लेवर डालिए। डीप फ्लेवर्स डालिए। कायदे से अगर आप काली मिर्च का मटन बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल, तो उसमें टमाटर डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पंजाबीयत ऐड करूँगा, उसके अंदर टमाटर डालूंगा, बिकॉज मेरे को खटास चाहिए। यहाँ पर खटास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ खटास जो है वो दही में आएगी, कुछ खटास हम टमाटर से डालेंगे, ठीक है जी। चले आओ सैया रंगीले मैं हारी रे, चले आओ चले आओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया काम किए हैं आप, एकदम बारीक चाय पत्ती वाला है, देखिए। ये लो जी, प्याज में डाला धनिया पाउडर, धनिया पाउडर को हल्का सा भुनने दिया, ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर तुरंत डाल दी फ्रेश टोमेटो की प्यूरी, ताज़े टमाटर की प्यूरे। मटन एक तरफ रेडी, ग्रेवी एक तरफ रेडी, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। टमाटर डालने के बाद भूनना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत 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 ज़रूरी है। सारा खेल जो है वो टमाटर का कच्चापन हटाने का, बिकॉज टमाटर और मटन वैसे ही साथ में नहीं जाते। तो अगर टमाटर को मटन के साथ भेजना है तो टमाटर को पका पका के ये भुला देना है कि वो टमाटर है, समझे आप। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। बस टमाटर को इतना पकाना है मटन के लिए कि टमाटर खुद भूल जाए कि भाई मैं हूँ कौन। ये देखिए, समझ रहे ना आप, फंडामेंटली एकदम जैमी कर लेना है टोमेटो को, ऑन अ सीरियस नोट। और ये जो अनियन टोमेटो जैम जो आपने बनाया है, ये हमारी ग्रेवी का फाउंडेशन है। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है साहब, लग तो रहा है कि हमारा नया कुकर जो है वो पास हो गया एकदम। अब जो है मटन की मुलाकात मसाले से कराने का वक्त आ गया है। रेडी, देखिए पूरा रंग और रोगन बदल गया ना। और रणवीर ने आज अपने खाने में देगी मिर्च से रंग भी नहीं दिया, देख रहे हैं आप, दैट इज अ फर्स्ट। ब्यूटिफुल, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, मसाले में भी नमक है, मसाला पड़ेगा भी इसमें। और अपना ये इस डिश का स्पेशल गरम मसाला अब आएगा, इसमें वो ब्लैक पेपर वाला रंग, काली मिर्च के मटन वाला रंग आएगा इसमें। और हमने ज़्यादा नहीं भूना था मसाला इसीलिए, बिकॉज यहाँ पर भी मसाला पकेगा। ये देखिए क्या सुपर मामला हो गया। चलो नमक नमक देखें, कहानी करें खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने की जरूरत है। क्या बात, क्या मस्त गला है मटन, देखिए। मैं क्या सोने हो, खुशबू से मतलब पता लग रहा है ना कि भाई साहब आज रणवीर तूने कुछ किया है लाइफ में। देखिए कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, यानी कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर डिश इतनी अच्छी बनी हो तो आदमी क्या करे। कर लेनी चाहिए, उस केस में कर लेनी चाहिए।
और एक कह लेना चाहिए कि रणवीर बिना तो छा गया, आपको भी छाना है तो मटन लेके आना है, बनाना है और भाई साहब छक्का लगाना है। दूसरा क्या है, ये अगले दिन बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। सैटरडे बनाइए, संडे खाइए।